नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस विशेष कार्यक्रम बिहार स्पेशल चर्चा में। और इस बिहार स्पेशल चर्चा में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां अपनी तैयारियों को तेज कर रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल भी कम से कम अपनी तैयारियों को तेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई तरह की बातें आ रही है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल किसको शाहबाद क्षेत्र में जिस प्रकार से माले अपना विस्तार करती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जिस बेस पर माले कब्जा कर रही है वो बेस राष्ट्रीय जनता दल का बेस है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ पींगे बढ़ाने की भी खबरें आती है कि राजद और जदयू फिर एक हो सकते हैं, लेकिन उस मामले में जब तक कोई बड़ी सूचना ना आए तब तक उसे हम पुख्ता नहीं मान सकते। हाँ, एनडीए गठबंधन की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़त बनाई है, आमतौर पर चर्चा होती है कि लोग अपने विपक्षी के खिलाफ लड़ते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ, लेकिन गठबंधन सहयोगी के सामने, गठबंधन सहयोगियों से बड़ा बनने की कोशिश विपक्षी से लड़ाई की तुलना में अब आज के दौर में ज्यादा बड़ी हो गई है। और ये झलक दिखी भी है लोकसभा चुनाव में, जब जेडीयू ने खुद को बीजेपी से बड़ा भाई साबित किया है। और अब कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड ने 130 के आसपास सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है और भारतीय जनता पार्टी को अंदर खाने संदेश दिया जा रहा है कि 80 से ज्यादा सीटों पर आपकी दावेदारी नहीं बनती, बाकी सीटें लोजपा और जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगियों के लिए बचती है। तो सवाल यह है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार मजबूर है, उन्हें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है। तो जब नरेंद्र मोदी मजबूर हैं, तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी की इस मजबूरी का फायदा उठाना चाहती है, या वाकई भारतीय जनता पार्टी बिहार में रसातल में पहुंच गई है जिसके लिए 80 सीटें ही बहुत ज्यादा है। क्या हकीकत है, क्या फसाना है? और स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड की चले तो वो 50 सीटें अपने मन से देनी हो तो ना दे, 80 सीटों की बातें आ रही है तो इन 80 सीटों की बातों में कितना दम है? और क्यों नीतीश कुमार बीजेपी को विधानसभा में ज्यादा बड़ा नहीं बनने देना चाहते, इस पर चर्चा करेंगे आज। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से क्या तैयारी हो रही है, तेजस्वी यादव कैसे बिहार भ्रमण पर निकलने वाले हैं, इन सारी परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ये बताइए, जिस प्रकार से 177 सीटों पर बिहार विधानसभा की 243 में से 177 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दरमियान एनडीए को लीड मिली, उसमें 74 सीटों पर जेडीयू को लीड थी, 68 पर बीजेपी को लीड थी, 35 पर लोजपा को लीड थी और अन्य पर जीतन राम मांझी की पार्टी को लीड थी। तो सवाल उठता है कि एनडीए के अंदर जब इस तरह से एक तरह से खेमेबाजी और खांचेबाजी शुरू हो गई है, उस खांचेबाजी में जनता दल यूनाइटेड अपने आप की पोस्चरिंग बहुत ज्यादा अपनी ताकत के अनुरूप कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये कहना कि ये लोजपा माझी ये सब आपके अलायंस है, हमें इनसे मतलब नहीं है, आप 80 लीजिए और बची हुई 33 सीटों में से आप इनको जिनको जो देना है दे दीजिए, 130 पर जेडीयू लड़ेगी तो लड़ेगी, इस तरह का फरमान, इस तरह की पोस्चरिंग। और इस पोस्चरिंग के बीच में अचानक 29 तारीख से, आज से 5 दिन बाद दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी, क्या भारतीय जनता पार्टी को आप किस तरह से देखते हैं? नरेंद्र मोदी के लिए बहुमत बनाए रखना संसद में, मोदी की सरकार को टिकाए रखने के लिए क्या बिहार की कुर्बानी भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार है? क्या नरेंद्र मोदी की सत्ता इतनी बड़ी हो गई है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सरेंडर है कि सरकार बची रहे भले ही आप 50 सीट दे दो? देखिए, एक बात तो ये मानना होगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में जो केमिस्ट्री है वो एक अच्छी बॉन्डिंग है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो रही थी तो किसी एक प्रमुख नेता ने जोरदार बैटिंग की, जोरदार पैरवी की, वो नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी भाजपा में सर्वोसर्वा है। आप जानते हैं कि अमित शाह और तमाम अब बड़े नेता और बिहार प्रदेश के तमाम बड़े नेता ये नहीं चाह रहे थे कि नीतीश कुमार की वापसी हो। बिहार प्रदेश भाजपा ये चाह रही थी कि भाजपा अब अपने बलबूते नीतीश एरा को पीछे छोड़ते हुए अपने बलबूते कुछ छोटे मोटे सहयोगियों के साथ
आगामी विधानसभा का चुनाव लड़े या लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने मूड बनाया कि अब महागठबंधन छोड़ के एनडीए में जाना है, तो सबसे पहले बाएं खोलकर किसी व्यक्ति ने स्वागत किया है वो नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की केमिस्ट्री बेहतर है, दूसरे को बेहतर समझते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के उस फुटेज को देख लीजिए या अभी नालंदा में माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के बीच जो केमिस्ट्री थी, जो आपने हाथ देखने की बात की, उसको लेकर देख लीजिए। लेकिन क्या बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, वर्तमान में गाय बगाए कुछ सीटें रह गई, केंद्र में सरकार भी है, क्या बीजेपी जेडीयू को बड़े भाई के भूमिका में स्वीकार करेगी? तब जब लोकसभा चुनाव में वो एक सीट 16 सीटों पे जेडीयू लड़ रही थी, 17 सीटों पे बीजेपी लड़ रही थी, और आपने बिल्कुल सही कहा, यदि विधानसभा वाइज एनालिसिस करें तो जेडीयू का तमाम जो घटक है, चाहे वो बीजेपी हो, चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, उन पे बढ़त है यदि विधानसभा वाइज एनालिसिस देखे तो। हालांकि एक बयान आपने पूर्व में भी सुना होगा, सम्राट चौधरी जब नतीजे आए थे, सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार हमारे बड़े भाई हैं और उन्हीं के लीडरशिप में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ी जाएगी। तो ये संकेत तो बीजेपी की तरफ से मिला ही है। अब सवाल ये उठता है, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि जेडीयू ने एक फॉर्मूला दिया है कि बीजेपी अकेले 80 सीटों पर चुनाव लड़े, बाकी कुछ जो सीटें जो बची बचेगी उसमें जीतनराम मांझी और इनको उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को एडजस्ट किया जाएगा, और बड़े संख्या में 130 से 140 सीटें खुद जेडीयू लड़ना चाहती है। तो और इसका आपको रिफ्लेक्शन 29 तारीख को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है उसमें देखने को मिलेगा, और इस पे गंभीरता पूर्वक जेडीयू विचार भी कर रही है। और जो मेरे पास खबर है, जेडीयू ने इसका एक भनक और इनडायरेक्ट इंडिकेशन बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को दिया भी है कि जेडीयू अधिक से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो प्रपोजल जेडीयू ने दिया है क्या उसको बीजेपी मानेगी, या प्लस माइनस 7-8 सीटों का प्लस माइनस हो सकता है क्या, क्या वो 80 सीटें देना चाहते हैं? ऋषि जी, एक बात बताइए हमारे दर्शकों के सामने, आप बताइए, रुपौली का नतीजा 13 जुलाई को आ जाएगा, अगर रुपौली में जेडीयू के कलाधर मंडल फिर से चुनाव जीत गए तो क्या नीतीश कुमार की इस पोजीशनिंग पर बीजेपी कोई वीटो लगाने की स्थिति में कल्पना भी कर सकती है कि नीतीश कुमार की उड़ान को वो रोक सके? देखिए, अब जहां तक रुपौली की बात है, मैंने वहां के लोगों से बातचीत की है, कलाधर मंडल का चांस जीतने का अधिक है, क्योंकि कलाधर मंडल जो है मंडलों में एक सौम्य चेहरा है, मतलब उनका मतलब एक बाहुबली या एक क्रिमिनल बैकग्राउंड की छवि नहीं है जैसा अवधेश मंडल का है, या मतलब जो बीमा भारती का हस्बैंड है अवधेश मंडल, उनका एक बाहुबली छवि है। और अभी इन दिनों में एक लैंड व्यवसायी का हुआ है, उसमें इनके बेटे का नाम आ रहा है और अवधेश मंडल का नाम आ रहा है, इससे भी एक जो जिस व्यवसायी की मौत हुई है, जिसके कारण व्यवसायी वर्ग में खासकर वैश्य वर्गों में काफी नाराजगी है, और इसका नुकसान मुझे लगता है कि राजद को उठाना पड़ सकता है। और जो कलाधर मंडल है वो खुद गंगोत समाज में मुझे लगता है ठीक ठाक सिंध लगाने जा रही है। और आप यदि लोकसभा चुनाव के आधार पर एनालिसिस करेंगे तो कलाधर मंडल ही वो व्यक्ति है जो संतोष कुशवाहा को, यानी जो जेडीयू के उम्मीदवार थे, उनको गंगोत समाज का ठीक ठाक वोट दिला पाए हैं, और यही उसी का इनाम है कि कलाधर मंडल को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है। तो कलाधर मंडल जो है सॉफ्ट चेहरा है, लेकिन तीसरा एक एंगल, एक शंकर सिंह है जो पूर्व विधायक है लोजपा से, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, राजपूत समुदाय से आते हैं, जो पटना में जो खबर बनती है उस खबर के आधार पर विश्वास मत कीजिए। शंकर सिंह भी बाहुबली रहे हैं, और राजपूतों में एक बड़ा वर्ग राजपूतों का है जो शंकर सिंह के छवि से नाराज है, उनके जो अप्रोच है उनसे नाराज है। तो ऐसा नहीं है कि राजपूतों का पूरा वोट उनको मिल जाएगा, दो
गंगोत की लड़ाई में राजपूत बाजी मर जाएंगे, जो पटना के कुछ पत्रकार माहौल बनाने में लगे हुए हैं वो ऐसी बात नहीं है। और मेरे मेरे समझ से जहां तक मैं अभी तक रीड किया हूँ, कलाधर मंडल को बीमा भारती पे एज है जी। तो सवाल ये उठता है कि रुपौली का नतीजा जो स्वाभाविक है कि जैसा आप बता रहे हैं जेडीयू उस सीट को जीत चुकी है 4 या 5 बार, तो वो एक बार फिर चुनाव जीतती है और जेडीयू की पोस्टरिंग अभी से बहुत ही एग्रेसिव है। आप देख लीजिए एनडीए गठबंधन के अंदर आजकल नीतीश कुमार को छोड़कर के बिहार में ना नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 कौन है किसी की चर्चा नहीं हो रही है, पगड़ी वालों की पगड़ी खुल रही है। दूसरे डिप्टी सीएम को एक पत्रकार टीवी चैनल पर तर्क नहीं दे पा रहे हैं तो वो मजबूर कर दे रहा है कि भाग जाए। बिहार बीजेपी फेसलेस हो गई है, बिहार में चेहरा विहीन हो गई है। और इस परिस्थिति में अगर जेडीयू बीजेपी को 80 पर रोकती है कि आप 80 पर लड़िए, हो सकता है 5 सीट बढ़ा ले बीजेपी रिक्वेस्ट करके कि नहीं 5 ज्यादा दे दीजिए, लेकिन जेडीयू यदि 125-30 पर लड़ती है, 130 की तो पोस्टिंग है जेडीयू की तरफ से, वो 130 सीट लड़ती है और वो 105 या 110 सीट अगर जीत के आ जाती है, क्या आपको लगता है कि बिहार में फिर जेडीयू बीजेपी की पकड़ में आएगी क्या? देखिए बीजेपी के लिए कुआं खाई वाला खेल है, क्योंकि केंद्र की सरकार जेडीयू पे डिपेंडेंट है। यदि जेडीयू बाहर चली भी जाती है तो हालांकि सरकार को खतरा तो नहीं होगा, लेकिन सरकार का जो स्ट्रेंथ तो नायडू साथ में चले जाएंगे, ये बात जान लीजिए, सरकार को खतरा हो जाएगा। यदि नायडू जाते हैं तब तो खतरा है, यदि नायडू नहीं जाते हैं तो फिर स्ट्रेंथ कम होगा, सरकार फ्लोर मैनेजमेंट बहुत कमजोर हो जाएगी वहां पे। मैं आपको एक बताऊं, देखिए यदि रुपौली में जेडीयू जीतती है तो ये तो मोहर लग जाएगा कि गैर यादव ओबीसी बीसी और पचफोरना का सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है। और सर्वमान्य नेता लोकसभा चुनाव में ये रिफ्लेक्ट भी किया है। अब यदि कोई पार्टी जेडीयू पार्टी जिसको हमारे नेशनल मीडिया के तथा कथित कोटबंदी वाले कुछ पत्रकार जो है खारिज कर रहे थे कि नीतीश कुमार आप प्रासंगिक हुए, उम्र का हवाला दे रहे थे, बीमारियों का हवाला दे रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने साबित किया कि आज भी वो किंग है, किंग मेकर भी है। देखिए कोई बहुत लोगों के लिए कहा जाता है कि हम किंग मेकर हैं, लेकिन किंग नहीं होता है, लेकिन नीतीश कुमार किंग भी है, यानी सीएम भी खुद है और किंग मेकर भी है कि नरेंद्र मोदी को अब प्रधानमंत्री उन्होंने उनके सहयोग से और टीडीपी के सहयोग से आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, आज प्रधानमंत्री है। बीजेपी ये नहीं कह सकती है कि मोदी सरकार, ये मोदी की सरकार है, ये आप कहना पड़ेगा कि एनडीए की सरकार है। और आने आने वाले दिनों में आप सरकार के भी संयोजक एनडीए संयोजक देखेंगे और जो बुरा जो कुनबा है उसके भी संयोजक देखने को मिल सकता है आपको। तो ये बात तो जरूर है कि रुपौली में जो नतीजे आएंगे उससे नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। और नीतीश कुमार ने यह साबित भी किया है, आप कुछ दिन पहले देखा होगा कि विधानसभा में जब बहुमत साबित करना था तो कैसे नीतीश कुमार ने राजद के 5 विधायकों को तोड़ लिया, कांग्रेस के 2 विधायकों को तोड़ लिया, आज 7 विधायक विपक्ष के पाला बदल के इस खेमा में है। तो नीतीश कुमार की अपनी काबिलियत तो साबित किए ही है। और बीजेपी भी ये जानती है कि प्रदेश लेवल पे खासकर विधानसभा चुनाव में एक एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का बड़ा मायने होता है। और आपके पास ऐसे कोई नेता नहीं है जो तेजस्वी यादव के सामने खड़े हो सके नीतीश कुमार के अलावा। सम्राट चौधरी भागलपुर और उस बांका के आसपास के क्षेत्रों में उनका प्रभाव हो सकता है, लेकिन पैन बिहार उनका प्रभाव नहीं है, या न नित्यानंद राय का है, न विजय सिन्हा जी का है, न अन्य नेताओं का है। तो आपको नीतीश कुमार की जरूरत है और नीतीश कुमार के रूप में आपको गैर यादव ओबीसी ईबीसी इवन पसपंदा मुसलमानों का भी वोट मिलता है, महिलाओं का बड़ा तबका नीतीश कुमार को वोट मिलता है। तो ये मजबूरी बीजेपी के का भी है। और दूसरा, मैंने जो पहले टेक में इनिशियल टेक में कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की के बीच जो केमिस्ट्री है, और नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी रिस्पेक्ट करते हैं, आप कई बार देखा होगा कि एक बात खत्म करूंगा कि नरेंद्र मोदी अमित शाह और राजनाथ सिंह बैठे हैं और नीतीश कुमार घूमते फिरते उनके कुर्सी के पास आ जाते हैं तो नरेंद्र मोदी खड़ा होकर अभिवादन करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। यदि रीजनल पार्टी के नेताओं में यदि आप देखेंगे नीतीश कुमार का वो स्ट्रक्चर है
कि प्रधानमंत्री भी उनका सम्मान करते हैं, तो एक मजबूरी भी है, एक केमिस्ट्री भी है। तो उस आधार पे मैं ये सहमत हूँ जो हमारे सोर्सों ने खबर दिया है कि जेडीयू अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वो आंकड़ा 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, बीजेपी का आंकड़ा 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका विधानसभा चुनाव में निभाने जा रही है। जी ऋषि जी, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूँ। सीताराम केसरी ने बिहार में कांग्रेस पार्टी की पूरी जमीन लालू यादव के हाथों सौंप दी। गठबंधन की मजबूरियां कि लालू यादव के साथ आरजेडी जब नई नई बनी थी, हमें गठबंधन करना है। नरसिम्हा राव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो बची खुची जमीन थी, बसपा के साथ गठबंधन करके उस जमीन को गंवा दिया। मजबूरियां यही कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को टिकाए रखना है। अब सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है या बिहार में पटना में पाटलिपुत्र में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ले, बीजेपी वालों का, संघ वालों का ये सपना ज्यादा महत्वपूर्ण है? मोदी की गद्दी महत्वपूर्ण है, उसके लिए पटना से कंप्रोमाइज किया जा सकता है, या पटना ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसके लिए मोदी की गद्दी से भी कंप्रोमाइज किया जा सकता है? जी देखिए, आपने इससे पहले एक सवाल किया था, उसी में इसका आंसर है। जी, बीजेपी के अभी सबसे बड़े चेहरा यदि राज्य में है तो सम्राट चौधरी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं। सम्राट चौधरी ने क्या कसम खाया था कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा। अब दो सुनते हैं कि 2-3 जुलाई को वो अयोध्या में पगड़ी खोलने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को इंडिकेशन मिल गया है कि आपको छोटे भाई की भूमिका में रहना है। जो बिहार एनडीए है उसमें आप बीजेपी को छोटे भाई की भूमिका में रहना है। जब नरेंद्र मोदी ने फैसला ले लिया तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इनकी हैसियत क्या है? तो सम्राट चौधरी का जो ये पगड़ी खोलो अभियान 2-3 जुलाई को हो रहा है, वो उससे इंडिकेशन है नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका निभाने जा रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव में। जहां तक केंद्र की सरकार है तो वर्तमान में सर्वेसर्वा कौन है? नरेंद्र मोदी क्या है? भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाना नरेंद्र मोदी टेलीविजन है। ऋषि जी, आज की जो तीसरी सरकार बनी है उसमें नरेंद्र मोदी एक टेलीविजन है। आमतौर पर हम लोग के घर में टेलीविजन में एक ही रिमोट होता है, लेकिन यहाँ दो रिमोट है, एक आंध्र प्रदेश में, एक पटना में, और ये दोनों रिमोट ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने शिखा बुद्धि करके, जो हम लोग यहाँ बोलते हैं ना बिहार में, कि एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए दोनों रिमोट काम कर रहे हैं कि कब बटन कौन दबाएगा, कब कौन दबाएगा। तो इस रिमोट वाली सरकार में क्या लगता है कि रिमोट ने इतना मजबूर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार कहेंगे एकदम साष्टांग दंडवत हम तैयार है? ऐसे कहिए ना, दोनों रिमोट में एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है, चाहे नीतीश कुमार दबाए या चंद्रबाबू नायडू दबाए, एक्शन एक ही होगा। यदि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक हैं, जैसा आपने कहा कि यदि नीतीश कुमार केंद्र के सरकार से समर्थन वापस लेते हैं तो चंद्रबाबू नायडू भी लेंगे, तो इसका मतलब यह है कि दोनों रिमोट में एक ही सॉफ्टवेयर है, चाहे पटना से दबाए या हैदराबाद आंध्र प्रदेश से दबाए, जी एक्शन एक ही होगा। यदि चैनल वन दबाएंगे तो चैनल वन ही पटना में भी दिखाएगा और आंध्र प्रदेश में भी दिखाएगा। तो ये नीतीश ये कहीं ना कहीं, और आपने बिल्कुल सटीक सवाल किया कि प्रधानमंत्री का बीजेपी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, केंद्र सरकार बचाना या बिहार, तो निश्चित ही प्रधानमंत्री की कुर्सी यानी प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री का जो पद है बीजेपी के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। और ये बीजेपी का जो सपना था कि अपने बलबूते बिहार में हम सरकार बनाएंगे और बीजेपी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद पर आसीन होगा, वो सपना अब वो ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। अब अगले 5 साल तक नीतीश कुमार को इनको झेलना ही पड़ेगा। ऋषि जी, एक फिल्म का गाना है ना कि तुम मुझे नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, और किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगा। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि मुझे चाहो न चाहो, यदि तुम किसी और को चाहोगे तो फिर मुश्किल होगा, आप भी भाग जाएंगे अदालत के साथ, दरवाजा खुला हुआ है। लालू जी कह रहे हैं कि नीतीश बा तुम आ जाओ। दोनों दोस्त हैं इसलिए इस प्रकार का भाषा वो बोलते हैं। नीतीश कुमार को कुछ भी कह सकते हैं, वो बड़े भाई छोटे भाई का उनका रिश्ता है,
सदन में भी एक अरे बात यही तो नीतीश कुमार का क्या कहते हैं यूएसपी की क्या कहते हैं हम आप लोग ताकत है, लाभार्थी बन गए नीतीश कुमार, यूएसपी लाभार्थी बन गए नीतीश कुमार। ऋषि जी एक बार तेजस्वी यादव ने कुछ बोला भी था सदन में, तो डांटते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि ये सब बोलने का अधिकार तुम्हारे पिताजी को है, तुमको नहीं है। वो सीधे सीधे जो है वो बोल दिए थे। तो उस रिश्ते को छोड़िए, हम अपनी बात करते हैं, पत्रकार हैं, जो खबर आ रही है उसी को आधार पर, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसी पर चर्चा करेंगे। एक बात बताइए, छोड़िए राजनेता और पत्रकार वाली भूमिका को, एक सामान्य आदमी की, एक सामान्य नागरिक की हैसियत से एक सवाल का जवाब हम आपसे चाहते हैं। नीतीश कुमार तो 80 सीटों उनकी जेडीयू ऑफर कर रही है बीजेपी को, क्या आपको लगता है कि बीजेपी मौजूदा हालात में, नेता विहीन बीजेपी बिहार में 80 सीटों के लायक भी बची है क्या? अरे आप देख लीजिए ना, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आप एनालिसिस कर लीजिए। लोकसभा चुनाव की जो नतीजे आए हैं, यदि विधानसभा की हम लोग कहते हैं ना कि बीजेपी को अधिक से अधिक वोट लोकसभा चुनाव में और राज्यसभा चुनाव विधानसभा चुनाव की तुलना करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लोग अधिक वोट करते हैं, तो अधिक वोट करते हैं तो आप एनालिसिस कर लीजिए विधानसभा वाइज। और कई ऐसे विधानसभा ऐसे हैं अभिषेक जी जहां बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं, मतलब बीजेपी वहां सिटिंग है, अब बीजेपी पिछड़ गई है। हरसिद्धि में ढाका में, हरसिद्धि में राधा मोहन सिंह का क्षेत्र, ढाका में लवली आनंद का क्षेत्र, इन सब जगह पे पिछड़ गई है। ढाका में बीजेपी के विधायक है ना संजय जायसवाल, क्या नाम है उनका, पवन जायसवाल। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के कृष्णनंदन पासवान जो सिटिंग एमएलए जहां है वहां भी बीजेपी पिछड़ गई है, तो उन सीटों पे तो फिर जेडीयू दावा करेगी ना, जेडीयू दावा करेगी ना, भैया आप तो पिछड़ गए। तब जब आपके सबसे लोकप्रिय चेहरा नरेंद्र मोदी अपील कर रहे थे 400 पार 370 पार, उसके बावजूद भी आप पिछड़ गए, तो दावा तो उनका बनता ही है जी। ऋषि जी इस चर्चा से हम आगे निकलकर, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की चर्चा से आगे निकलकर हम चलते हैं सीधे आरजेडी। एक बात मैं और जोड़ना, जैसे लाभार्थी नीतीश को हम लोग क्यों कहते हैं, नीतीश कुमार जी को, क्योंकि देखिए लाभार्थी वर्ग वो होते हैं, यदि बीजेपी की सरकार चली भी जाती तो जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है, और यदि इंडिया गठबंधन की भी सरकार आती तो मजबूरी बस 80 करोड़ जनता को 5 करोड़ अनाज देना पड़ता, तो चाहे सरकार किसी का भी हो 5 किलो अनाज मिलना ही था, और इसलिए चाहे सरकार मतलब गठबंधन में कोई भी हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही होना है, इसलिए नीतीश कुमार राजनीति में लाभार्थी बढ़ गए जी। खैर अब तो बिहार में कोई चिराग मॉडल होना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में खुद बैसाखियों पर है, तो चिराग मॉडल की गुंजाइश खत्म हो जाती है, लिहाजा उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, सीधे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ चलते हैं। राजद के अंदर से दो बातें निकलकर सामने आ रही है ऋषि जी, एक ये निकलकर सामने आ रही है कि पिछली बार चिराग मॉडल के, उस कथित चिराग मॉडल की लाभार्थी यदि कोई थी तो राष्ट्रीय जनता दल थी, चिराग मॉडल का सीधा लाभ राष्ट्रीय जनता दल को मिला, इस बार उसकी गुंजाइश नहीं है। और इस बार जिस तरह से परफॉर्मेंस हुआ है उस परफॉर्मेंस को देख करके यही कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल 50 विधानसभा सीटों तक पहुंच जाए तो राजद के लिए एक उपलब्धि होगी इस विधानसभा चुनाव में, भले ही वो कुशवाहा नेता बना दे लोकसभा में, नई सोशल इंजीनियरिंग करे, मुकेश सहनी, अभय कुशवाहा, तेजस्वी यादव, इन सब को लेकर एक अलग तरह का यूपी की तरफ पीडीए लेकर के आए। लेकिन यूपी में सबको ध्यान में रखना चाहिए कि पीडीए जो अखिलेश यादव का था इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि वहां मुख्यमंत्री पद पर एक सवर्ण नेता बैठा हुआ था, इसलिए वहां पीडीए कामयाब हो गया। यहाँ नीतीश कुमार खुद बैठे हुए हैं, लौह पुरुष समाज के नेता, तो यहाँ पीडीए कामयाब होने की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है, ये राजद को बखूबी पता है। और इस परिस्थिति में अब आपको क्या लगता है, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से दो बातें जो निकल रही है कि काश नीतीश कुमार आ जाते, लेकिन राजद के लोग ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे भाजपा से वो लड़के 125-30 सीट ले लेंगे, क्या राजद के लोग 125 सीट देंगे नीतीश कुमार को, ये बातें राजद के लोग नहीं कह रहे हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि माले राष्ट्रीय जनता दल के बहुत बड़े वोट बैंक को इंक्रोच कर रहा है, उसमें अपनी पैठ बढ़ाता जा रहा है। भाई कांग्रेस की कीमत पर जनता दल जैसे आगे बढ़ा, वैसे ही बिहार के एक खास इलाके में
दक्षिण पश्चिम बिहार में माले आगे बढ़ रहा है राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक की कीमत पर, ये साफ दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार का बहुत शिद्दत से इंतजार, उनकी बेटी भी लालू यादव की कह रही है सिंगापुर जाने के पहले रोहिणी आचार्य कि अब चाचा जी को तय करना है कब आकर आशीर्वाद देंगे, और चाचा जी की स्थिति यह है कि जिस गठबंधन में उन्हें 125 सीटें या 130 सीटें मिलेंगी वो वही रहेंगे और चुनाव जल्दी जो कराएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मजबूर है, 13 जुलाई को रुपौली के नतीजे आने के बाद बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजाई जा सकती है, ऐसी संभावना जताई। क्या लगता है राष्ट्रीय जनता दल का लोकसभा चुनाव में जो मोराल डाउन हुआ है, उत्तर बिहार की 152 में से सिर्फ 18 सीटों पर पूरा इंडिया गठबंधन लीड कर पाया, सोच सकते हैं कितनी खराब स्थिति थी। दक्षिण बिहार की जो 91 सीटें हैं उसमें जरूर 43 पर इंडिया गठबंधन लीड कर पाया और उसमें माले की एक बड़ी भूमिका थी, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। अब आपको क्या लगता है, राष्ट्रीय जनता दल भाजपा के खिलाफ तो आक्रामक होता है, नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक होना होता है तो मनोज झा को आगे बढ़ा दिया जाता है कि आप ही कुछ बोल लीजिए, भतीजा तो चाचा के खिलाफ नहीं बोलेगा, दिक्कत हो जाएगी, ये कौन सी राजनीति है? और इस राजनीति में यदि विधानसभा चुनाव जल्दी हो गया जो नीतीश कुमार की इच्छा बताई जाती है, फिर क्या हो सकता है? देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए, जेडीयू और आरजेडी का यदि गठबंधन होता है तो जेडीयू आरजेडी कभी भी जेडीयू से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगा, एक बात आप बिल्कुल समझ लीजिए, चाहे वो 100-100 का फॉर्मूला हो चाहे वो 90-90 का फॉर्मूला हो, जो भी हो, क्योंकि उसमें माले को भी एडजस्ट करना है, कांग्रेस को भी एडजस्ट करना है। और ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को जो पिछले बार 70 सीटें मिली थी वो इस बार मिलने नहीं जा रही, ये भी है, क्योंकि देखिए पिछले बार यदि कुछ सीटों से राजद रह गई उसमें ये एक बड़ा कारण कांग्रेस भी था, जिस प्रकार से कांग्रेस को सीटें दी गई और कांग्रेस उस प्रकार से परफॉर्म नहीं कर पाई, सिर्फ 19 सीटें जीतने में सफल हुए, तो ये बात है। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव में वह फॉर्मूला जो लालू यादव ने गढ़ा, यादव मुस्लिम कुशवाहा और अन्य पिछड़ी जातियों का, वो सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लगता है कि यह फॉर्मूला वो विधानसभा चुनाव में भी लागू करेंगे। और मैं आज आपको बता दूं, हालांकि ये गॉसिप भी हो सकता है, अटकले भी हो सकते हैं, राजद का जो अगला प्रदेश अध्यक्ष होने जा रहा है वो कुशवाहा समाज से होने जा रहा है, और जगदा बाबू खुद कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। ऋषि जी, सारी बातें तो ठीक है, लेकिन बिहार में आप अति पिछड़े वर्ग के लोगों से बात करें तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव सब बातें तो करते हैं लेकिन जैसे ही जा करके अपना जो है सर में वो भी पगड़ी बांध ले रहे हैं, हरे रंग की पगड़ी, और मुरेठा मैं उसी पे आ रहा हूँ, खास समुदाय के लोग जैसे ही हरा मुरेठा लहराना शुरू करते हैं, नारेबाजी शुरू करते हैं, अति पिछड़ा और महादलित वर्ग डर जाता है। देखिए, हरे कलर पे मत जाइए, कलर कोई खराब नहीं, बैकग्राउंड भी हरा है आज, छोड़िए, हम तो हरे जी जी। देखिए, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ। देखिए, तेजस्वी यादव को अखिलेश यादव से सीखना होगा, हालांकि लोकसभा विधानसभा चुनाव में अंतर होता है, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपने परिवार के अलावा, यानी अपने परिवार में जिन लोगों को टिकट दिया वो यादव थे, बाकी की एक दो सीटों को छोड़ दीजिए तो बाकी तमाम उन सीटों को आप देखिए, वहां किसी भी यादवों को टिकट नहीं दिया, एक भी यादव को नहीं दिया है परिवार के बाहर। मैं इसलिए, क्योंकि मैं पूरे 80 लोकसभा का मेरे पास डाटा नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो इसलिए जोड़ दिया हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जो मैं तथ्य रख रहा हूँ कि यदि गलत हो, इसलिए मैंने कहा है कि अपने परिवार के अलावा किसी भी यादवों को टिकट नहीं दिया है, यानी गैर यादव ओबीसी ईबीसी पिछड़े अति पिछड़े को टिकट दिया, यानी पीडीए का जो फॉर्मूला गढ़ा वो सक्सेस होते हुए नजर आया, वही तेजस्वी यादव को करना होगा, वही ग्राउंड पे सामाजिक इक्वेशन। कल भी आपके वीडियो पे मैंने कहा कि ग्राउंड में जाइए तो आज भी जो अति पिछड़ा है, गैर यादव ओबीसी है, यादवों के एक प्रभाव से, राजनीतिक प्रभाव या सामाजिक प्रभाव या जो सामाजिक टकराहट है, अब ऐसे कुडनी में ले लीजिए, छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, हमारे मुजफ्फरपुर में कुडनी एक विधानसभा है जहाँ उपचुनाव हुआ था, वहां कुशवाहा और यादवों में सामाजिक लड़ाई है, तो ऐसे जो लड़ाई है, डिफरेंसेस हैं,
उसको उसकी केमिस्ट्री को ठीक करना होगा। अर्थमैटिक में तो आप देख रहे हैं कि भाई हम कुशवाहा और यादव हम उसने मुजफ्फरपुर में मीनापुर में देख लीजिए वही स्थिति मीनापुर में देख लीजिए। यदि वहाँ कुशवाहा पूर्वी चंपारण के पिपरा में जीत मिल जाती है भाजपा को। मैं मीनापुर की बात करूं, यदि कुशवाहा यादव और मलाह मिल जाए तो मीनापुर में बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है, एनडीए को आसानी से हराया जा सकता है। हालांकि अभी भी मुन्ना यादव वहां के विधायक हैं। तो इन चीजों का, इन सामाजिक इक्वेशनों का आपको ग्राउंड पे काम करना होगा। ठीक है, आपने अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बना दिया है, लेकिन ग्राउंड पे यदि आपके 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 जिलाध्यक्ष, कई जगह जिलाध्यक्ष देख लीजिए, संगठन में जिम्मेवारी देख लीजिए, कई ब्लॉक अध्यक्ष देख लीजिए, राजद की सूची उठा के देख लीजिए। तो ये जो मैं बार बार कहता हूं, इससे कई हमारे यादव शुभचिंतक जो हैं, यादव भाई हैं, जो दर्शक हैं, वो नाराज भी हो जाते होंगे कि जो लंठाई है, खासकर देखिए इसमें भी यादव में भी बहुत लोग पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं जी, इनका अन्य लोगों से बहुत ही सामाजिक सरोकार है, लेकिन जो ये 5% 10% ऐसे लोग हैं जो जो इनके इक्वेशन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, उन लोगों पे काम करने की जरूरत है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मला प्लस कुशवाहा प्लस यादव प्लस मुस्लिम का जो समीकरण बनेगा वो विधानसभा में बहुत बेहतरीन समीकरण होगा। लेकिन इसको इस केमिस्ट्री अर्थमेटिक को केमिस्ट्री में दिक्कत है। हां वही ने कहा, ये अर्थमेटिक को केमिस्ट्री में बताइए ऋषि जी, आप उतारना मुजफ्फरपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं, एक केस स्टडी लेते हैं मीनापुर विधानसभा, पता चला कि वहां पर तेजस्वी जी ने यादव को दिया और नीतीश जी ने उतार दिया, एनडीए गठबंधन ने उतार दिया कुशवाहा को, कहां से बनेगा समीकरण? यहां लड़ाई तो स्थानीय स्तर पर होनी है। और मैं वही बताता हूं, बैठ जाता है अति पिछड़ा वोटर, वही डिसाइड करता है। जैसे अब जैसे कुढ़नी में अनिल सानी विधायक थे राजद के, जो सस्पेंड हो गए, मान लीजिए उनकी संस्था चली गई, वो सॉफ्ट नेचर के हैं, उनसे यादवों की भी परेशानी नहीं होगी, उनको कुशवाहा से भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन मीनापुर में जो मुन्ना यादव विधायक है वो लंट है, दबंग टाइप के हैं, तो उनसे कुशवाहा को भी परेशानी होगी या मलाहों को भी परेशानी होगी। अब इतना माइक्रो एनालिसिस कोई नहीं बता सकता है कोई पत्रकार। मैं दावे के साथ कहता हूँ कुढ़नी में डॉक्टर अनिल सैनी जो है मलाह समाज, ऋषि मिश्रा की यूएसपी है कि इस ढंग से समझा देते हैं कि दर्शकों को भी समझ में आ जाता है कि हाँ भाई वाकई बिहार का एक पत्रकार है दिल्ली में मौजूद, ऋषि मिश्रा जो रहते दिल्ली में है लेकिन जमीनी हकीकत बिहार के गांव गांव कस्बे कस्बे की रखते। मैं सर यही कह रहा हूँ कि डॉक्टर अनिल सैनी जो है राजद के नेता है, वो सॉफ्ट चेहरा है, सौम्य चेहरा है, जो बात आप कह भी दीजिएगा वो सुन लेंगे। तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग सामाजिक इक्वेशन में बैठने में उनको दिक्कत नहीं होता और जल्दी केमिस्ट्री हो जाती, घुल मिल जाते हैं। लेकिन वही मुन्ना यादव से मेरा कोई नाराजगी नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ, मुन्ना यादव लोकप्रिय है अपने समाज में और एक्टिव भी है, संघर्षशील है, बहुत मुद्दों पे उन्होंने संघर्ष भी किया है, लेकिन उनकी जो छवि है दबंग दबंग की छवि है, तो दबंग की छवि है और यादव समाज से है तो कुशवाहा और मलाह नहीं चिपकते हैं उनके साथ। अरे ऋषि जी मैं बताऊं, यादव समाज के मेरे बहुत सारे इसी तरह सुने, इसी तरह रुनीसैदपुर में, मैं एक चीज बता दूं, मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं फिर आप बता दीजिए। एक रुनीसैदपुर में है, पहले भोला यादव विधायक हुआ करते थे, अब उनकी पत्नी मंगेती पुत्रवधु जो है वो है, तो वहां भी यही है, उनका परिवार का दबदबा है रुनीसैदपुर में। ऐसे जी जी पूर्वी चंपारण जिले में कल्याणपुर विधानसभा है, वहां के विधायक हैं मनोज यादव, बड़े भले आदमी हैं, उनके पिताजी भी विधायक थे, कॉमरेड हुआ करते थे, और वो आरजेडी के विधायक है, बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो कोर वोटर जो अति उत्साह में बह जाता है और वो विपक्ष के लिए खाद पानी का काम करता है, उसको मनोज जी भी नहीं रोक सकते हैं, तो कुछ भी कहेंगे कि अरे भाई शांत रहो, शांति से करो, सबके साथ मिल बैठ करके बात व्यवहार करके, तो लोग कहेंगे उन्हीं के समुदाय के लोग कि देखो भाई इनको हम इसीलिए विधायक बनाए थे कि ये हमको जो है बना रहे, कह रहे हैं कि भाई घास खाओ बैठ करके, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, इस स्थिति में उन्हीं को लोग बोलने लगेंगे बड़े अच्छे आदमी है मनोज जी। तो हालांकि तेजस्वी यादव ने ये कहा है, तेजस्वी यादव और राजद की ये रणनीति है कि इस बार गैर यादव ओबीसी
और ईबीसी लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी विधानसभा में चुनाव में, अधिक से अधिक टिकट दी जाएगी। और टिकट देने से पहले आपको ग्राउंड पे वर्क करना होगा। हम अगस्त में जो आपने सवाल किया उसका एक जवाब दे दूं, अगस्त में तेजस्वी यादव एक जनसंपर्क अभियान पे निकलने जा रहे हैं, तो जब जनसंपर्क अभियान में निकलेंगे तो ये जो केमिस्ट्री में झोल है, जो मिस्ट्री बनी हुई है आज तक राजद के लिए कि राजद सत्ता में क्यों नहीं आता है इतना बड़ा सामाजिक आधार होने के बावजूद, तो इस मिस्ट्री को ठीक करके और केमिस्ट्री यदि बेहतर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव 25 में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऋषि जी, फाइनल कमेंट आपका, जो सवाल जो जवाब आपने दिया उसी से मैं सवाल निकाल रहा हूँ, सहयोग बस ये सवाल मैंने पहले से रखा था लेकिन आप आ गए उसी मुद्दे पर। अगस्त में तेजस्वी यादव निकलेंगे, सारे विधायकों को कह दिया गया है कि कोई तेजस्वी यादव की सभा में नहीं जाएगा, जिनको बुलाया जाएगा वही जाएंगे, बहुत नाराज है कि विधायकों के क्षेत्र में क्यों पिछड़ गए। सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव की प्लानिंग है अगस्त से निकलने की, और कहीं नीतीश कुमार ने जुलाई में विधानसभा को विसर्जित कर दिया, महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराने का रास्ता खोल दिया, तब तो तेजस्वी यादव की सारी प्लानिंग जो कर रहे हैं वो धरी की धरी रह जाएगी। ये आरजेडी वाले 2 महीने बाद की प्लानिंग क्यों शुरू करते हैं कि अच्छा मुहूर्त दिखा के पंडित जी से यात्रा निकाल के तब निकलेंगे। अरे निकलना है तो अभी निकलिए। नहीं देखिए, अभी इसलिए नहीं निकल रहे हैं, अभी हीट वेव चल रहा है बिहार में, और आज भी मैंने मुजफ्फरपुर बात की है, 42-42 डिग्री तापमान है मुजफ्फरपुर का, तो इस हीट वेव में तेजस्वी यादव निकलेंगे तो उस प्रकार से जन समर्थन भी नहीं मिलेगा लोगों का, लोग घर से नहीं निकलेंगे, तो ये एक कारण ये भी है। कर देंगे नीतीश कुमार तब तो इनकी सारी तैयारी धरी रह जाएगी, तब तो चुनावी मोड में आना पड़ेगा इनको, तो भंग कर देंगे तो फिर उसका। देखिए मैं एक एग्जांपल और देना चाह रहा था, वो भी निकल जाएंगे भंग करके पूरा बिहार घूमने। जैसे जैसे मेरा एक विधानसभा क्षेत्र है औराई है, जहां से मेरा गृह विधानसभा, वहां एक विधायक हुआ करते थे राजद के प्रोफेसर सुरेंद्र यादव, वो यादव समाज से होने के बावजूद भी इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे शिक्षाविद, लोग पसंद करते थे उन, तो ऐसे लोगों को यदि आप टिकट देते भी हैं तेजस्वी यादव जी, तो डॉक्टर सुरेंद्र यादव, अनिल सहनी, आपके यहाँ एक से एक अच्छे लोग हैं, उनको टिकट दीजिए जिनका समाज में हर वर्गों में सम्मान है। और आपके सवाल पे आता हूं कि देखिए यदि भंग हो जाएगा तो फिर तो हर पार्टी चुनावी मूड में आ ही जाएगी, मजबूरी हो जाएगी, लेकिन अभी आप ऋषि जी मैं बिहार से हैं, आप भी बिहार से हैं, विधानसभा सीटों पर 130 विधानसभा सीटों पर कहीं 2 कहीं 3 नीतीश कुमार ने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं। ये जेडीयू के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं कि कहां किसको किसके सामने प्लेस करना है। जी देखिए देखिए राजद ने भी ये कह दिया है, और इनकी तैयारी यही है कि रैली में नहीं आना है, तेजस्वी यादव की सभा में बिना पूछे विधायक जी को नहीं आना है। हाँ नहीं तो परसों तेजस्वी यादव ने ये कह दिया है कि विधानसभा की तैयारी शुरू कर दे, कभी भी चुनाव हो सकता है। जी विधायक या पूर्व विधायकों के लिए इसलिए कहा है क्योंकि विधायकों से काफी नाराज है नीतीश तेजस्वी यादव, क्योंकि तमाम सीटिंग एमएलए हैं जो जिनके विधानसभा में लोकसभा प्रत्याशी, राजद की लोकसभा प्रत्याशी बहुत संख्या अधिक है उन विधानसभा क्षेत्रों का जहां सीटिंग एमएलए होते हुए भी राजद पिछड़ गई, इसलिए विधायकों से नाराज है कि आप अपने क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहते हैं, ये समझते हैं कि राजद के उम्मीदवार हैं तो MY आ ही जाएगा, जीत ही जाएंगे। उनके जैसे नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में भी पिछड़ गई है आरजेडी, दूसरे की बात बिल्कुल है, उनके भाई के क्षेत्र में पिछड़ गई है। अब आपने बहुत अच्छा सवाल किया, तेज प्रताप का टिकट कटेगा क्या, वो भी रैली में उनको नहीं आने दिया जाएगा, तो ये फॉर्मूला अपने भाई पे लागू करते हैं कि नहीं करते हैं तेजस्वी यादव, और ये इनके भी इनके क्षेत्र में भी शायद यदि मैं सही हूँ दानापुर में भी शायद पिछड़ गई, राघोपुर में लीड कर गई है, सुचंद्र राम राघोपुर में लीड कर गए थे, और ये दानापुर में जो ये रितलाल यादव हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में शायद मीसा भारती पिछड़ गई थी, ट्रेल कर गई, तब क्या रितलाल यादव के भी टिकट काटेंगे, तो कई ऐसे हैं। अब बयान देने को है दे देते हैं, अब कितना एग्जीक्यूट करना है ये हम लोग इसका इंतजार करेंगे, तो देखते हैं। ऋषि मिश्रा जी ने तो पूरे उदाहरणों के साथ एकदम जमीनी राजनीतिक स्थिति को इस प्रकार बयान कर दिया जिस प्रकार निश्चित तौर पर
शायद ही कोई पत्रकार बिहार की परिस्थितियों को बयान कर पाता हो, यही ऋषि मिश्रा जी की खासियत है। लेकिन ऋषि मिश्रा जी की जिस तरह से खासियत है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी एक खासियत है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी को वो बिल्कुल अमली जामा पहनाने में दूसरों से दो कदम आगे रहते हैं। चिराग मॉडल के बावजूद भाजपा को झटका उस वक्त नहीं दिया जिस वक्त लोग गुस्से में आमतौर पर झटका देते हैं। झटका तब दिया जब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक अलग मॉडल खेल रही थी जी, और हम लोगों ने चुनावी नतीजे आने से 10 दिन पहले, और मैं तो ये कहूंगा वो चंक आप जरूर लगाइए इस प्रोग्राम में, नहीं वो दर्शकों ने देखा, हम लोगों ने अभिषेक जी और ऋषि मिश्रा ने ये कह दिया था कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में नतीजे के बाद, यानी जो नतीजे आएंगे उसमें जेडीयू की जो सीटें अधिक होंगी बीजेपी के तुलना में, यानी बीजेपी के तुलना में जेडीयू अधिक से अधिक सीटें जीतने जा रही है। उस दिन कुछ उटपटांग कमेंट भी कुछ लोगों ने किए थे, खैर दर्शक हैं हमारे, उनको अधिकार है कमेंट करने का। सवाल यह है कि बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां जिस दिशा में जा रही है उससे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जेडीयू सरनम गच्छामी, नीतीश सरनम गच्छामी के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि तैयार रहे, कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने तैयार रहने को कह दिया। उनकी पार्टी की तैयारियां जमीन पर देखें तो जनता दल यूनाइटेड की तुलना में कोसों पीछे दिखती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने दोनों पार्टियां दोनों गठबंधनों में सत्यनारायण के प्रसाद की तरह सीटों को पाने की हैसियत में है, उससे ज्यादा उनकी भूमिका फिलहाल दिखाई नहीं देती। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद, दोनों दलों में एक एक सत्यनारायण है, और वो जो प्रसाद दे देंगे दोनों पार्टियों को लेना पड़ेगा, क्योंकि अब बीजेपी भी अट्ठास की भूमिका में नहीं है। गेनर नीतीश कुमार है, लूजर तेजस्वी यादव को नहीं कह सकते, लेकिन पॉलिटिकल फ्रंट पर तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं का उत्साहहीन होना उन्हें लूजर बना रहा है। सारी परिस्थितियां एक तरफ, बिहार की राजनीतिक परिस्थिति एक तरफ, और उसी परिस्थिति के बीच से बिहार में विधानसभा चुनाव के सन्निकट होने का रास्ता, उसकी आहट अब लोगों को सुनाई देने लगी है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।